हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेडीएस एकेडमी। इस पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम डीमेरिट ऑफ एफसीआई। फ़ायदे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डीमेरिट्स क्या क्या हैं एफसीआई। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टिल मैनी पीपल्स गो टू स्लीप हंग्री डिस्पाइट द ओवरफ्लोइंग ऑफ ग्रेनरीज। यानी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी भूखे सोते हैं जबकि हमारा जो एफसीआई का डिपॉजिट है क्या है, ओवरफ्लो कर रहा होता है। सेकेंड क्या है, एफ सी आई गोडाउन्स आर ओवर फ्लोइंग्स विद द ग्रेन्स विद सम रोटिंग अवे एंड सम विंग्स ईटन बाई रेड्स। यानी एफ सी आई की जो गोडाउन है भरे पड़े हुए हैं, कहीं पे फैला हुआ है, कहीं पे चूहे खा रहे हैं। इसके अलावा क्या है, इन 2012 एफ सी आई हैड 18 मिलियन टन्स टू ग्रेन्स इन बफर स्टॉक वेयर 33 मिलियन टन्स वर रिक्वायर। 2012 में क्या हुआ था कि 32 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट थी स्टॉक करने की, जबकि वहाँ पे कितना किया गया, 82 मिलियन टन क्या किया स्टॉक किया गया। तो ये क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और फूड ग्रेन्स। फोर्थ क्या है दोस्तों, स्टोरेज ऑफ हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक कॉज हाई कैरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे खर्च भी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है। तो ये क्या है, डीमेरिट्स है इसका। फिफ्थ क्या है, मोर फार्मर्स आर नाउ प्रोड्यूसिंग राइस एंड वीट ड्यू टू द इनहेंस एमएसपी। अब बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हो गए जो केवल पैसा कमाने के लिए ही केवल राइस और वीट ही का प्रोडक्शन करने लगे, बाकी अदर चीज़ का क्या करने लगे, वो लोग प्रोडक्शन ही कम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव यूज ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस राइस हैज़ लीड टू फॉल इन वाटर लेवल एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ETC। इसके अलावा जो लोग राइस और वीट्स वगैरह उगाते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल भी धीरे धीरे नीचे चला जाता है और एनवायरनमेंट को क्या करता है, डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, डिमेरिट ऑफ PDS। PDS का क्या है, डिमेरिट्स हैं, PDS डीलर्स समटाइम रिस्टोर्ड टू माल प्रैक्टिस। लाइक बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, PDS के जो लीडर्स होते हैं वो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने राइट्स का, और लोगों तक सही टाइम पर सही फूड्स और एक इजीली प्राइस पे या चीप प्राइस पे लोगों तक अवेलेबल नहीं करा पाते हैं फूड्स, जैसे डाइवर्टिंग फूड्स ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन। वो क्या करते हैं, अपने फूड ग्रेन को अपनी मार्केट से बाहर ले जाके अच्छे कीमत पे बेचने की कोशिश करते हैं। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप पे बेकार क्वालिटी की जो फूड्स हैं उसे बेचते हैं। उसके अलावा ये रेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप, इसके अलावा ये दुकानें जो होती हैं रेगुलर बेसिस पर नहीं खुलती हैं। तो क्या थे कुछ डिमेरिट्स थे FCI एंड PDS के। अब लास्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, कि जो कोऑपरेटिव्स के क्या क्या है रोल हमारे हैं फूड सिक्योरिटी में। तो फर्स्ट क्या, 94% ऑफ द फेयर प्राइस शॉप इन तमिलनाडु आर ऑन बाय द कोऑपरेटिव विच आर परफॉर्म वेरी वेल। तमिलनाडु में 94% फेयर प्राइस शॉप है जो कि अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। इन दिल्ली मदर डेयरी प्रोवाइड्स मिल्क एंड वेजिटेबल एट द वेरी लो प्राइस विच आर कंट्रोल बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। बहुत सारे दिल्ली में क्या है, मदर डेयरी हैं जिनमें जहाँ दूध और वेजिटेबल सस्ती कीमत पर मिलती हैं और उसे कंट्रोल कौन करता है, दिल्ली गवर्नमेंट। इसके अलावा अमूल ब्राउड वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री टू प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट चीप रेट। इसके अलावा क्या है, जो अमूल के हैं उन्होंने वाइट क्रांति श्वेत क्रांति स्टार्ट किया और लोगों तक घर घर तक चीप लेवल में क्या किया, मिल्क पहुंचाना स्टार्ट किया। फोर्थ क्या है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम हैज़ फैसिलिटीज एंड यूज फॉर द सेटिंग अप ग्रेन्स बैंक्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस थे, इन्होंने क्या किया, NGOs को इम्प्रूव किया और फूड ग्रेन को स्टॉक करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह इनको प्रोवाइड किया गया कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है दोस्तों, फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।